Hi, this is Sana Khan and you're watching Expose India. पंजाब के मोगा में डेंगू के कहर से लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। सरकारी अस्पताल से लेकर प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों की संख्या आए दिन बढ़ रही है। सरकारी अस्पताल में पिछले दिनों हुए मरीजों के टेस्ट के दौरान लगभग 280 मरीजों में डेंगू के लक्षण पाए गए, जिसमें कुछ मरीजों का इलाज सरकारी अस्पताल में पहले भी किया गया है। जानकारी के मुताबिक अभी 12 मरीजों का दाखिला सरकारी अस्पताल में किया गया है जो डेंगू के दंश से पीड़ित है। वहीं डेंगू से पीड़ित मरीज प्राइवेट अस्पतालों में भी दिखाई दिए, जहां एक बेड पर दो दो मरीजों का इलाज चल रहा था। डेंगू से पीड़ित मरीजों की समस्याओं को डॉक्टर काफी गंभीरता से ले रहे हैं और उनका उचित इलाज किया जा रहा है। देखो जी, डेंगू चलदे नूं पिछले 2 महीने तो शुरू हो चुका है। पहली सितंबर तो असी हर साल डेंगू के पेशेंट देखने शुरू कर देने हैं। तो डेंगू का जिहड़ा पीक टाइम है वह अक्टूबर होंदा है, तो 15 अक्टूबर तो लैके 15 नवंबर तक हर साल डेंगू के पेशेंट के बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होंदी होंदी है। मैं ऑन एन एवरेज डेली दे 35 से 40 पेशेंट सिर्फ तो सिर्फ बुखार वाले देखदा। इन्हां चों 95% पेशेंट साढ़े डेंगू के या फिर सस्पेक्टेड डेंगू के होंगे, जिन्हों की असं सिर्फ डेंगू के अकॉर्डिंग ही ट्रीट करते हैं। डेंगू हुण तक असी जिहड़ा भी टैसट है वह सरकारी तौर पर जो कराए गए हैं, वो 280 पेशेंट पॉजिटिव आ चुके हैं अपने कोल अज तक। तो अज हुण होर टैसट लगे हुए हैं, तो टोटल 280 पेशेंट जिहड़े पॉजिटिव आए हैं। जिहड़ा आपां टैसट इत्थे सिविल हॉस्पिटल कर रहे हैं, एडमिट 12 पेशेंट साढ़े कोल एडमिट ने, उहदे चों 8 पेशेंट का जिहड़ा टैसट पॉजिटिव आ चुका, दूजे 4 का लग्या होया, पर उन्होंने भी सैल घट ही ने। सो इस करके आपां उन्होंने भी डेंगू अजे अज सस्पेक्ट डेंगू च रख रहे हैं। 24 तरीक तो सर मैं एडमिट हाँ, मैं डेंगू का शिकार हाँ सर। तो तुसीं कोई सरकारी हस्पताल च दिखाया जी, पहला कोई टैसट वगैरह कराया जी? नहीं, मैं जाने की कोशिश नहीं की सर, उत्थे बहुत रेशन बहुत है। पहला तो एडमिशन ही नहीं छेती होंगी, ना डॉक्टर मतलब वगैरह उत्थे उपलब्ध होंगे, सफाई का प्रबंध खास मैं नहीं लगता उत्थे चंगा जी। इस करके मैं इधर प्रेफरेंस की प्राइवेट तो इलाज करावा। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारतीय एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।